अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ्रिज का जो रबड़ होता है उसके बारे में, कि जो फ्रिज की कूलिंग को सेव रखता है वो कौन सी चीज़ होती है और कैसे इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसको सेट किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका फ्रिज का रबड़ है, जो डोर को क्लोज होता है तो फिर ये इसको बंद कर देता है, कूलिंग बाहर नहीं निकलती, कूलिंग को सेव रखता है। ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको साफ़ कैसे करना होता है और इसके अंदर फॉल्ट कौन सा होता है। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ये जो रबड़ है ये हार्ड हो जाता है और ये प्रेस हो जाता है साथ, बिल्कुल ये जो इसके अंदर सक करने की वो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है वो चली जाती है, तो इस वजह से ये हार्ड हो जाता है, तो ये कूलिंग को सेव नहीं रखता, फिर ये ख़राब हो जाता है। ये किस वजह से ख़राब होता है कि इसकी सफाई नहीं होती। तो इसकी सफाई कैसे करनी होती है, आम रूटीन में घर में आप भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, एक कोने से आपने इसको पकड़ना है, इसको अपनी तरफ खींचना है, ये आपको नज़र आए, इसकी ग्रिप बनी हुई है, ये इसकी ग्रिप है, ये इसकी ग्रिप है और ये इसके अंदर यहाँ पर फिट होती है। इसको आपने खींचते जाना है आस्ता आस्ता आराम से, तो ये सारा बाहर आता जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेना है, ये सारा रबड़ जो है बाहर आ जाएगा। तो इसको निकाल के गर्म पानी कर लें, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, गर्म पानी के अंदर इसको डुबो दें, इसको थोड़ी देर के लिए उसी के अंदर ही पड़ा रहने दें, ये जो है फिर नरम हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके खुशक करके फिर दोबारा आपने एक कोने से शुरू करना है, एक कॉर्नर से शुरू करके इसको उसी तरीके से इस ग्रिप के अंदर, जो ये जो आपको ग्रिप नज़र आ रही है, इस ग्रिप के अंदर बैठा देना है, ऐसे आपने प्रेस करते जाना है, तो ये दोबारा अपनी जगह पर फिट होता जाएगा, ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से इसको प्रेस करके अपनी जगह पर बिठा देने हैं, ये आप देख रहे हैं कि अभी ये मुकम्मल अपनी जगह पर फिट हो चुके हैं। अभी ये कूलिंग बरकरार रहेगी, कूलिंग सेव रहेगी, कूलिंग बाहर नहीं आएगी, जिसकी वजह से नहीं रहती, कंप्रेसर चलता रहता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और कंप्रेसर भी हीट अप हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए।